हमारा चल रहा था आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद। कवि जयशंकर प्रसाद की आंसू नाम की काव्य रचना हमारे सिलेबस में थी, जिसमें उन्होंने अपनी प्रियतमा के वियोग में, जो परमात्मा का स्वरूप बन चुकी है, इस लोक को छोड़कर परलोक पहुंच चुकी है, ऐसे उस प्रियतमा के वियोग में उन्होंने उनकी जो स्मृतियां हैं उनको याद करके और आंसू बहाए, ऐसे उस आंसुओं को लेकर उन्होंने आंसू काव्य रचना की। ऐसे उस काव्य रचना में वो अपने उस प्रियतमा के कभी संयोग के क्षणों को याद करते हैं तो कभी वियोग के दिनों को बतलाते हैं। इस तरह का वो उनका आंसू नाम का काव्य है, जिसका कुछ अंश हमारे सिलेबस में रखा, जिसमें से कुछ पद हम पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट जो पद था जिस पर हमने गत वीडियो में चर्चा की थी वो था कि कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भूमे बल देखा। तो देखिए वो प्रियतमा से साथ जो पहली मुलाकात हुई थी, जिसमें प्रियतमा अपने उच्च स्तर को छोड़ करके और जयशंकर प्रसाद से मिलने के लिए आई, तो जयशंकर प्रसाद को कैसा लगा, जयशंकर प्रसाद को ऐसा लगा कि मुझे अकिंचन से जैसे ही आपने पहली बार जब इस तरह का प्रेम का प्रस्ताव रखा तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मानो कोई सुबह का स्वप्न है जो सिद्ध हो रहा हो। तो उस समय उनकी जो पहली जो मुस्कुराहट थी, उनका जो पहला जो मिलन था, उन पहले उस मुलाकात का वो अब उसके वियोग में उनको स्मरण करते हुए बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोमल कपोल पाली में, कि उस समय आपके जो गाल हैं वो कोमल गाल थे, कोमल कपोल पाली में, ऐसे उन दोनों उन कोमल कपोलों के उस पाली में, उस दीवारों में मानो क्या है, सीधी सादी स्मित रेखा, आपकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत सीधी सादी थी। ऐसे उस मुस्कुराहट में क्या होगा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा। ऐसी वो सीधी सादी जो मुस्कुराहट है वो सभी को आकृष्ट करने वाली थी, सभी को सुख प्रदान करने वाली थी। ऐसे उस मुस्कुराहट में जानेगा वही कुटिलता, उसमें अगर कोई कठोरता देखेगा तो वही व्यक्ति देखा जानेगा जिसने भाव में बल देखा, जिसने पहली बार कभी आपके भावों में बल देखा होगा, अर्थात जिसने आपको कभी गुस्से में देखा होगा, वही व्यक्ति आपके उस मुस्कुराहट में कठोरता जानेगा, बाकी सबको वो आकृष्ट करने वाली थी। इस तरह की आपकी वो सीधी सादी स्मित रेखा थी, पहली जो मुलाकात में आप मेरी तरफ जो मुस्कुराई वो मुस्कुराहट है वो आपकी इस तरह की सीधी सादी थी, दोनों कपोलों के बीच में, अर्थात दोनों जो गाल है आपके कोमल गाल है, ऐसे उन गालों के उन पाल का मतलब होता है उनकी उस दीवार में जो मधुर मुस्कुराहट थी, दोनों गालों के बीच में जो मधुर मुस्कुराहट थी, आपके दांतों की जो छवि थी, ऐसी वो दांतों की छवि इस तरह की सीधी सादी थी, इस तरह की अच्छी लगने वाली थी, जो सभी को आकृष्ट करने वाली थी। अगर उनमें किसी को कठोरता कुटिलता दिखेगी, किसी को अगर उसमें गुस्सा दिखेगा तो वही व्यक्ति को देखेगा जिसने कभी आपकी भौहों में बल देखा होगा, अर्थात आपको कभी गुस्से में देखा होगा, वही व्यक्ति आपकी मुस्कुराहट में कठोरता देखेगा, बाकी सबको वो अनुकूल लगेगी, सुख प्रदान करने वाली लगेगी, सुखकारी लगेगी। आगे देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसके बाद वही पहली उस मुलाकात का ही वर्णन करते हुए फिर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं उसके वियोग में, आज क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बेद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे है, हंसन सुख यह है फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। अब देखिए पहले तो उन्होंने नायिका के जैसे मानो भौहों का वर्णन किया, नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया, फिर उनकी मुस्कुराहट का वर्णन किया, अब जयशंकर प्रसाद जी अब उनके जो बिंदी लगी हुई है उनके ललाट पे, उनकी जो मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट में उनके दांतों की छवि है, सुंदरता है, उनके होठों का जो रंग है उसका वर्णन करते हुए फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए, बिद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, बिद्रुम संपुट सीपी में, बिद्रुम बिद्रुम का मतलब होता है अनार, कि अनार के दाने सीपी संपुट में, संपुट का मतलब होता है दोनों में, जिस तरह सीपी होती है, सीपी होती है जैसे आपने देखा होगा सीपी, सीपी दो सीपी होती है, उन दोनों सीपियों के बीच में जिस तरह से मोती होता है, अब ऐसा मोती के दाने के, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ सीपी तो कहा गया है प्रियतमा के दोनों अधरों के लिए, कि मानो कि आपके दोनों अधर हैं, वो अधर तो दोनों सीपी की तरह है और उन सीपी रूपी अधरों में मानो मोती के दाने कैसे, मोती के दाने जैसे आपके विद्रुम सीपी संपूर्ण, विद्रुम सीपी का मतलब होता है कि अनार के दाने जैसे कलर की दोनों सीपियों में, अब अनार के दाने जैसे कलर की सीपी थोड़ी होती है, सीपी तो सफ़ेद कलर की होती है, लेकिन यहाँ अनार के दाने जैसी सीपी क्या है,
प्रियतमा के होठ हैं, प्रियतमा के जो होठ हैं जिन पर उन्होंने अनार जैसे कहा गया है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के सुगंधित जो द्रव्य है लिपस्टिक वगैरह ये लगा रखी है प्रियतमा ने, तो प्रियतमा के इस तरह के वो लाल होठ जो अनार जैसे हैं, ऐसे वो अनार जैसे लाल होठ कि उस सीपी में विद्रुम के दाने कैसे, वो मोती के दाने कैसे, उसमें मानो मोती के से दाने जैसे उस नायिका के दांत हैं। अब देखिए विद्रुम सीपी संपूर्ण विद्रुम सीपी का मतलब अनार जैसे कलर की दोनों सीपियों में अर्थात दोनों होठ रूपी सीपियों में मोती के दाने कैसे, कि मोती के दाने जैसे वो प्रियतमा के क्या हैं, दांत हैं, मोती के दाने कैसे है हंसन सुख यह, फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे है हंसन सुख यह। आगे देखिए दोनों अधर हैं, वो तो अनार के जैसे हैं, अनार कलर जैसे इस तरह के लाल दोनों अधर हैं, अधरों के मध्य में दांत है वो मोती के दाने जैसे हैं, और ऐसे उन दांतों के ऊपर, ऐसे उन सूपी के ऊपर क्या है हंसन सुख यह, कि न तो ये हंस है न तोता है। नायिका की नासिका के सौंदर्य के लिए कहा है कि नायिका की जो नाक है जो तोते की तरह उनके इस तरह सीपी रूपी अधरों के ऊपर है, तो उसको वर्णन करते हुए कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, क्या कह रहे हैं, है हंस न सुख है, कि न तो ये हंस है न सुख है, फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे, फिर मानो ये मोती के दाने जैसे इन दांतों को चुगने की वो मुद्रा बनाए हुए क्यों है। अर्थात नायिका की नासिका का जो सौंदर्य है वो तोते की चोंच की तरह है, तो तोता है जिस तरह से अनार के दानों को खाने के लिए हमेशा लालायित रहता है, हंस है वो मोतियों को खाने के लिए लालायित रहता है, तो इसी तरह वो कह रहा है कि आपके दोनों अधर हैं वो तो सीपी की तरह है, और इस तरह दोनों उन लाल अधरों के मध्य में जो दाने हैं, दाने रूपी जो आपके दांत हैं, ऐसे उन दांत रूपी मोतियों को चुगने के लिए मानो नासिका है वो तोते की तरह विराजमान हो रही है, जबकि वो नासिका न तो हंस है न तोता है, फिर क्यों उसने इस तरह इन दानों को दांत रूपी इन मोती के दानों को क्यों इस तरह चुगने की मुद्रा बनाए हुए हैं। अर्थात इस तरह का उन्होंने वर्णन किया है, इस तरह की आपके वो नासिका का सौंदर्य था, इस तरह के आपके सुंदर दांत थे मोती जैसे, और इस तरह रंगीन सीपी जैसे आपके दोनों होठ थे, इस तरह यहाँ नायक का उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करना है। आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं, आगे फिर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, विकसित सरसिजवन वैभव मदऊषा के अंचल में उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। आगे देखिए नायिका के फिर वही मुस्कुराहट का, उसकी हंसी के, उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए, जब वो पहली बार जब नायक से जब उसकी मुलाकात हुई तो उस समय वो किस तरह से हंसी, उसका जो स्वरूप है वो किस तरह से नायक को लगा, उसका वर्णन करते हुए आज उसके वियोग में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विकसित सरसिजवन वैभव, विकसित सरसिज वन वैभव, जिस तरह से विकसित यानी खिला हुआ हो सरसे तालाब वन वैभव, अर्थात जिस तरह से कमल के फूलों से भरा हुआ तालाब है वन, कमल का तालाब क्या होता है, वो कमल का वन क्या होता है, तालाब, तो वो कह रहा है कि विकसित सरसिज वन वैभव मधुषा के अंचल में, मधुषा के अंचल में, मधु यानी बसंत के समय में, जिस तरह बसंत के महीने में कमलों से खिला हुआ कोई तालाब दिखाई देता है, बसंत के महीने में कमलों से खिला हुआ खिले हुए कमलों से भरा हुआ कोई तालाब दिखाई देता है, अगर वो कितना अच्छा लगता है, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में, उपहास करावे अपना, अर्थात कमलों बसंत के महीने में कमलों से खिला हुआ कमलों से विकसित तालाब है, वो भी अगर आपकी वो मधुर मुस्कुराहट को देख ले, युवावस्था की वो मधुर मुस्कुराहट को देख ले तो उपहास करावे अपना, तो वो भी मानो उपहास करा लेता है, अर्थात अपनी हंसी करा लेता है। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ उपमान को उपमेय से बढ़कर उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया गया है, तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो मुस्कुराहट है, आपकी युवावस्था की वो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट के समय आपका वो खिलता हुआ जो चेहरा है वो इतना सुंदर था कि वो खिलते हुए चेहरे को अगर मान ली जाए, बसंत के महीने में कमलों से खिला हुआ अगर तालाब भी देख ले तो वो तालाब भी मानो अपने आप को लज्जित करके और वो भी अपनी हंसी करवा ले। अर्थात कहने का मतलब है उस बसंत के महीने में कमलों से खिले हुए उस तालाब की उस सुंदरता से भी बढ़कर आपकी वो मुस्कुराहट की सुंदरता है, वो भी अपनी हंसी करा ले आपके उस मुस्कुराहट के आगे। इस तरह यहाँ उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया गया है, तो व्यतिरेक अलंकार भी है और
देखिए नायिका की उस मुस्कुराहट के उस सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। आगे फिर कह रहे हैं वो, उस पहली मुलाकात का ही वर्णन करते हुए फिर कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। देखिए क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं नायिका की उस मुस्कुराहट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए फिर कवि, देखिए उनके उन कानों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुख कमल समीप सजे थे, ऐसे उस कमल रूपी मुख के पास में ही सजे हुए थे, विराजमान थे, शोभायमान हो रहे थे, क्या दो किसले से पुर इनके, दो किसले, किसले यानी नए पत्ते, पुर इनके मतलब कमल के, अर्थात आपका जो कमल रूपी जो मुख है, ऐसे उस कमल रूपी मुख के पास में ही दो नए कोपलें, कमल की दो नई कोपलें जैसे इस तरह के आपके दोनों कान हैं, वो इस तरह से सजे हुए थे, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले से पुरिन के, पुरिन यानी होता है कमल, कमल के किसले होते हैं नई कोपले, अर्थात जिस तरह कमल का पुष्प होता है तो कमल के पुष्प की तरह तो नायिका का वो खिलता हुआ चेहरा है, और कमल के पुष्प के नीचे जो पंखुड़ियाँ होती है इस तरह की, वो नवीन पंखुड़ियों की तरह नायिका के दोनों कान हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके इस तरह कमल रूपी उस चेहरे, कमल रूपक अलंकार है, तो आपके उस कमल रूपी चेहरे के पास में ही दो नए पत्तों के रूप में दोनों कान शोभायमान थे, सजे हुए थे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके, और वो दोनों कान कैसे हैं, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, जिस तरह से कमल के पत्तों के ऊपर जल की बूंद ठहर नहीं पाती है, जैसे ही हम कमल के पत्तों के ऊपर जल की बूंद डालते हैं वो गिर करके नीचे आ जाती है, उसी तरह वो कह रहे हैं जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके, आपके जो इस तरह के वो कान हैं उनमें भी कभी किसी का दुख नहीं ठहर पाता था, अर्थात कहने का मतलब है आपके वो कमल के पत्तों के समान, कमल रूपी चेहरे के पास में जो इस तरह के दोनों कान हैं, उन कानों में अगर कोई भी अपने दुख की बात कह देता तो वो दुख की बात है, वो वहाँ जा करके उसका समाधान हो जाता था, वो दुख की बात वहाँ ठहर नहीं पाती थी, अर्थात वो सुख में परिवर्तित हो जाती थी, जिस तरह कमल के पत्ते के ऊपर बूंद डालने पर वो तुरंत गिर करके नष्ट हो जाती है, उसी तरह आपके वो कमल के पत्ते समान उन कानों के सामने जाकर के जब कोई अपनी दुख या अपनी वेदना व्यक्त करता था तो वो वेदना वहां जाकर के नष्ट हो जाती थी, इस तरह के आपके वो कान थे। आगे देखिए, देखिए यहाँ कवि ने प्रकृति को साथ लेकर चले हैं, तो प्रकृति चित्रण करते करते उन्होंने इस तरह प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। तो देखिए आगे फिर कह रहे हैं नायिका को सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि फिर कह रहे हैं कि आपके किस तरह के कान थे, किस तरह की आपकी मुस्कान थी, किस तरह का आपका चेहरा था। आगे फिर कह रहे हैं, कह रहे हैं थी किस अनंग के धन की वे शिथिल सिंजनी दोहरी अलवेली बाहुलता या तनुछब सर की नवलहरी। देखिए क्या कहा है, आगे फिर कवि कह रहे हैं नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए फिर कह रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी, थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिंजनी दोहरी, थी किस अनंग के धनु की, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कामदेव के धनुष की थी शिथिल सिंजनी दोहरी, मानो कोई ढीली की हुई एक शिथिल सिंजनी, सिंजनी का मतलब होता है प्रत्यंचा, धनुष की जो डोरी होती है ऐसी, अब आपने देखा होगा जैसे धनुष की डोरी होती है, धनुष की डोरी को हम खींच करके जब एकदम छोड़ते हैं तो वो डोरी एकदम हिलती है, और एकदम वेग के साथ हिलती हुई डोरी है वो हमको दोहरी दिखाई देती है, एक डोरी होते हुए वो ऐसी लगती है जैसे दो हो, अब ऐसा। तो देखिए कवि कह रहा है कि जिस तरह से मानो कामदेव के धनुष की कोई इस तरह से ढीली की गई था, खींच करके ढीली की गई, इस तरह की कोई दोहरी दिखाई देने वाली प्रत्यंचा हो, क्या है वो प्रत्यंचा के रूप में, आगे बता रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिंजनी दोहरी अलवेली बाहुलता, अलवेली बाहुलता अर्थात आपकी अनोखी ही इस तरह की दोनों भुजाएं, आपकी अनोखी, अलवेली का मतलब आपकी अनोखी इस तरह की बाहुलता, आपकी लता रूपी दोनों भुजाएं वो इस तरह की थी जिस तरह से मानो कामदेव की, कामदेव के धनुष की ढीली की गई दोहरी रूप में दिखाई देने वाली प्रत्यंचा हो। तो देखिए थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिंजनी दोहरी अलवेली बाहुलता या तनु छवि सर की नवलहरी, या तनु छवि, या मानो तनु छवि सर की नवलहरी, देखिए सर की नवलहरी, या मानो सरोवर की कोई नई लहरें हो, तनु छवि शरीर रूपी सरोवर के में उठने वाली कोई इस तरह की लहरें हो, लहरें रूपी आपकी बाहुलता थी। तो देखिए यहाँ कवि ने, जयशंकर प्रसाद ने नायिका की जो भुजाएं हैं उन भुजाओं की तुलना
कामदेव के धनुष की ढीली की गई उस प्रत्यंचा से की गई है और सरोवर में उठने वाली नवीन लहरों से भी की है। जिस तरह सरोवर, अब यहाँ सरोवर क्या है, नायिका का शरीर है, और सरोवर में उठने वाली लहरों की तरह नायिका के शरीर में इस तरह की हिलने डुलने वाली वो दोनों भुजाएँ हैं। तो देखिए क्या कहा है कवि, कह रहा है, वो कह रहे हैं कि थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिंजनी दोहरी। वो कह रहे हैं कि मानो आपकी दोनों जो भुजाएं हैं, आपकी दोनों लता रूपी जो दोनों भुजाएं हैं, बाहु लता अर्थात आपकी दोनों बाहु, लता रूपी दोनों बाहु है, रूपक अलंकार है कि आपकी दोनों लता रूपी जो भुजाएं हैं वो मानो ऐसे लग रही है जैसे मानो किसी कामदेव के धनुष की ढीली की गई हुई प्रत्यंचा दोहरे रूप में दिखाई देती है, इसी तरह दोहरे रूप में आपकी दोनों भुजाएं दिखाई दे रही है। थी अलवेली बाहुलता या तनु छवि सर, तनु छवि सर की नवलहरी, या मानो ऐसा है लग रहा है कि या तो वो मानो कामदेव की धनुष की ढीली की गई हुई प्रत्यंचा के समान हो, दोहरी प्रत्यंचा के समान हो, या फिर मानो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि कोई सरोवर की, सरोवर में उठने वाली कोई नवीन लहरों के रूप में आपके शरीर रूपी सरोवर में इस तरह से उठने वाली वो दोनों लहरों के समान दोनों भुजाएं हो, इस तरह से यहाँ कवि ने कहा है। आगे फिर कह रहे हैं कवि, देखिए नायिका की भुजाओं के सौंदर्य का वर्णन करते हुए फिर आगे कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं, चंचलता स्नान कर आवे चंद्रिका पर में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। अब देखिए नायिका की फिर मुस्कुराहट का वर्णन करते हुए फिर कवि कह रहे हैं, चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर में जैसी। देखिए चंचला स्नान करावे, चंचला का मतलब है बिजली, बिजली जिस तरह से नहा करके आ जाती है, स्नान करके आ जाती है चंद्रिका पर में जैसी। चंद्रिका पर का मतलब होता है चांदनी। अब देखिए बिजली है वो जलन पैदा करने वाली होती है, जलाने वाली होती है, लेकिन मानो इसका मतलब है आपका वो चेहरा, आपका वो सुंदर रूप है वो तो बिजली के समान था, बिरह में आपको जलाने वाला है, लेकिन आपका जो सौंदर्य है वो कैसा था, चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर में जैसे। जिस तरह बिजली है वो चांदनी में स्नान करके आ जाता था, बिजली जलाने वाली होती है, इस तरह आपका दुरे है वो तो जलाने वाला है, लेकिन आपका उस समय का वो चंद्रमा जैसा वो चेहरा है वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि बिजली जिस तरह से मानो चांदनी में स्नान करके आ जाती था, बिजली खुद इस तरह से चांदनी में स्नान करके शीतल हो जाती है, इस तरह का वो आपका स्वरूप था। तो चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। उस पावन तन की शोभा, ऐसे आपके उस पवित्र शरीर की जो सुंदरता है वो इस तरह की थी, अर्थात कहने का मतलब है अंदर से तो वो बिजली की जलन के समान थी, लेकिन बाहर से वो ऐसे लग रही थी जैसे मानो बिजली है वो जैसे चांदनी के उस पर में नहा करके आ गई हो, अर्थात बिजली खुद शीतल होकर के सुख प्रदान करने लग गई हो, इस तरह मानो उस बिजली के समान सुंदर आपका वो शरीर है वो क्या था, पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। आलोक यानी प्रकाशित करने वाली और इस तरह अच्छी लगने वाली थी, मधुर थी। उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी, छलना था तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा श्याम बना था। देखिए आगे फिर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास बना था, अर्थात आपने मेरे साथ छल किया। छल क्या किया, प्रियतमा को उल्हाना दे रहे हैं कि आपने मेरे साथ छल किया जो मेरे को इस लोक में छोड़ करके आप समय से पहले ही परलोक सिधार गई। तो छलना थी तब भी मेरा उस माया, छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास करना था, अर्थात आपका इस तरह का वो स्वरूप मेरे को छल करके आपके प्रति मोहित करके मेरे को यहीं छोड़ करके चले गया, लेकिन फिर भी आपके उस स्वरूप में मेरा उस दिन बहुत ज़्यादा विश्वास था। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास करना था, अभी कह रहे हैं उल्हाना दे रहे हैं एक तरह से उस प्रियतमा को जो परमात्मा स्वरूप बन चुकी है, तो उसको कह रहे हैं कि छलना थी तब भी, अर्थात आपने मेरे साथ छल किया। छल क्या किया कि मेरे को इस लोक में छोड़कर आप परलोक सिधार गई, लेकिन फिर भी आपके उस स्वरूप में जो मेरे को पहली बार मिला, छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास बना था, फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा आकर्षण था आपके प्रति। उस माया की छाया में, ऐसे उस माया, माया का मतलब आपके उस आकर्षण के उस प्रभाव में, छाया छाया का मतलब होता है उसके प्रभाव में, उस माया की छाया में कुछ सच्चा श्याम बना था। मैं तो कुछ सच्चा श्याम बना था, यानी आपने तो मेरे साथ छल किया जो मेरे को छोड़ करके आप चली गई, लेकिन आपके उस माया, आपको उस आकर्षण के उस प्रभाव में मैं तो अपने आप को सच्चा श्याम बना था, मैं तो सच्चा था, अर्थात मेरा जो प्रेम है वो तो सच्चा था, जो आपके प्रति इस तरह का छलपन नहीं था कि मेरे को यहाँ छोड़ कर वहाँ चली गई। अगर तो देखिए कवि कह रहा है, कवि प्रियतमा को दोष दे रहा है, उसको छल छल बता रहा है, उसका इस लोक को छोड़कर परलोक से धारणा वो छल कह रहा है कवि। तो वो कह रहा है कि आपने तो मेरे साथ छल किया, लेकिन मैं तो आपको उस
माया मोह के उस प्रभाव में इस तरह से अपने आप को स्वयं सच्चे प्रेम से जुड़ा रहा। तो वो कह रहे हैं कि उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था, आपके इस तरह के उस माया के उस प्रभाव में मैं तो अपने आप को सच्चा बनाए रखा। आगे देखिए फिर कह रहा है कवि, वह रूप रूप ही केवल या रहा हृदय भी उसमें, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझ कर मुझमें। देखिए कवि कह रहा है, फिर कह रहा है वह रूप रूप ही केवल, ऐसा नहीं है कि वो रूप ही केवल रूप था, कि केवल वो आपका सुंदर रूप ही सुंदर सौंदर्य ही था केवल, नहीं, वह रूप रूप ही केवल या रहा हृदय भी उसमें, कि उसमें हृदय नहीं रहा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कभी कह रहा है ऐसा मत सोचो कि नायिका का या प्रियतमा का केवल रूप ही रूप था, अर्थात वो सुंदर रूप होने के साथ साथ उसमें हृदय भी था। हृदय का मतलब होता है सामने वाले के सुख दुख को समझने की क्षमता भी थी, या रहा हृदय भी उसमें, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझ कर मुझमें, जड़ता की सब माया थी। देखिए कभी कह रहा है जड़ता की सब माया थी, जड़ता का मतलब है मेरी मूर्खता, मेरी मूर्खता का ये सब प्रभाव था, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझ कर मुझमें, कि मैं तो जड़ बना हुआ था। जड़ का क्यों बना हुआ था, कभी अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी स्थितियों को लेकर जड़ बना हुआ था, जड़ता की सब माया थी। कभी कह रहा है कि मेरे ऊपर तो सब जड़ता की माया थी, मूर्खता का प्रभाव था। मूर्खता क्या थी कभी, कि अपने आप को हीन समझता था, उपेक्षी समझ रहा था कभी। तो वो कह रहा है कि मैं तो अपने आप की दशा को लेकर के अपने आप में जड़ बना हुआ था, मूर्ख बना हुआ था, जड़ बना हुआ था, लेकिन जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझ कर, लेकिन आपने ही मेरे को चैतन्य समझ करके और आपने ही मेरे को इस तरह अपनाया था, चैतन्य समझकर मुझमें। कवि कह रहा है देखिए वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अपनी प्रियतमा को सौंदर्य के लिए कह रहे हैं वो, कि ऐसा नहीं है कि आपका केवल रूप ही सुंदर था, कि केवल रूप ही सुंदर हो, रूप सुंदर होने के साथ साथ आप में हृदय भी था। हृदय होने का मतलब है आप सामने वाले के सुख दुख को, सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझती थी। मैं तो जड़ बना हुआ था, मैं तो अपनी परिस्थितियों को लेकर हीन था समाज में, लेकिन आपने ही सबसे पहले मेरे पास इस तरह का प्रभाव डाल करके, माया डाल करके, आप अपने प्रेम में इस तरह आकृष्ट करके, और आपने ही मेरे को चैतन्य बनाया। तो उस बात को वो अपनी प्रियतमा को इस तरह उस बात का आभार व्यक्त करते हुए कभी कह रहा है कि जड़ता की सब माया थी, अर्थात मेरे अंदर तो हीनता का सब प्रभाव था, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझ कर मुझमें, लेकिन आपने ही मेरे को इस तरह चैतन्य समझ करके मेरे से इस तरह प्रेम का प्रस्ताव रखा, मेरे को इस तरह सजीव किया, समाज में जीने लायक बनाया। इस बात को बतला रहा कभी। आगे फिर कह रहा है मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उसकी अलकें, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधुमदरा किसने थी बंद हमारी पलकें। अब देखिए कभी वियोग के क्षणों को याद कर रहा है, क्या कह रहा है, मेरे जीवन की उलझन था, मेरे जीवन की जितनी भी उलझन थी, समस्याएं थी, बिखरी थी उनकी अलकें। वो जैसे ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता मेरे जीवन की जो भी बाधाएं थी उनको, जब आप मेरे पास थी उस समय में, मेरे जीवन की जितनी भी जो उलझन थी, समस्याएं थी, उनको मैं जैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करता तो बिखरी थी उनकी अलकें। तो वो उसी तरह बिखर जाती थी, उसी तरह नष्ट हो जाती थी, जिस तरह आपके बालों की लटें हैं, बालों की लटें जिस तरह बिखर जाती है, उसी तरह मेरे जीवन की जितनी भी समस्याएं थी उनको मैं जैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करता तो वो बिखर जाती थी, नष्ट हो जाती थी, समाधान हो जाता था उनका। तो मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधुमदरा किसने, ऐसे उस मधुमदरा को, ऐसे उस सुंदर स्वरूप को जो मेरे को मदमस्त कर देता है, जिस तरह मदिरा होती है, मधुर मदिरा होती है मधु, वो जिस तरह पी करके व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, उसी तरह आपका वो स्वरूप जो मदी मदिरा का काम करता था मेरे लिए, जिसको देख करके मैं मदमस्त हो जाता था, ऐसे उस स्वरूप को पता नहीं किसने, पीली मधुमदरा किसने थी बंद हमारी पलकें। अर्थात जैसे ही हमारी पलकें बंद हुई, पलवर हम जैसे ही असावधान हुए, ऐसे उस पलवर के उस असावधानी में पता नहीं किसने हमारे इस तरह के उस स्वरूप का हरण कर लिया। ऐसे उस परमात्मा को दोष देते हुए कह रहे हैं कभी कि जिस तरह से कोई मधुर मदिरा होती है, मदमस्त करने वाली कोई मदिरा होती है और उसको कोई पलक बंद करते ही पी जाता है, उसी तरह वो स्वरूप जिसको देखकर मैं मदमस्त हो जाता था, ऐसे उस स्वरूप को, ऐसे उस प्रियतमा को पता नहीं पल भर में ही, पल भर का मतलब है क्षण समय में ही, थोड़े समय में ही पता नहीं किस ऐसे उस परमात्मा ने उसको पी लिया था, उसका हरण कर लिया, उसको नष्ट कर दिया। आगे देखिए फिर कह रहा है कभी, ज्यो ज्यो उलझन बढ़ती थी वह शांति बिहस्ती बैठी, उस बंधन में सुखबंधता करुणा रहती थी ऐठी। अभी फिर कह रहा है अपने प्रियतमा को संबोधित करते हुए, फिर कह रहा है ज्यो ज्यो उलझन बढ़ती, कि मेरे जीवन में ज्यो ज्यो कोई समस्याएं बढ़ती जाती थी वह शांति भी हंसती बैठी, और मैं जैसे उस
प्रियतमा के पास उनका इस तरह से मैं उलझनों को जैसे वहाँ इस तरह से कहता वह शांति विहस्ती बैठी, तो मेरे को चारों ओर शांति विकसित होती हुई दिखाई देती। अर्थात मेरे जीवन की जो भी समस्याएं थी उनको जैसे ही मैं उनके सामने प्रस्तुत करता तो वो समस्याएं तुरंत नष्ट हो जाती थी और मेरे को चारों ओर शांति फैलती हुई, शांति विकसित होती हुई दिखाई देती थी। वह शांति विहस्ती बैठी उस बंधन में सुख बनता, आगे कभी कह रहा है इस तरह उस प्रियतमा के बंधन में मेरे जीवन में वो सुख बंधा हुआ था, करुणा रहती थी ऐठी की, करुणा या दुख भरे भाव वो तो मेरे से दूर ही रहते थे, ऐठी रहते थे। अभी कह रहा है कि प्रियतमा का जब समय उसके संयोग था उस समय मेरे जीवन की जो भी समस्याएं थी, जो जो उलझन बढ़ती अर्थात मेरे जीवन में जो जो समस्याएं बढ़ती जाती थी, वह शांति विहस्ती बैठी। मैं उन समस्याओं को जैसे उसके सामने पेश करता तो वह शांति विहस्ती बैठी, वो समस्याएं नष्ट हो जाती थी और चारों ओर मेरे को शांति विहस्ती, विहस्ती का मतलब विशेष रूप से फैली हुई, विशेष रूप से विकसित होती हुई इस तरह से बैठी हुई मेरे को शांति दिखाई देती। वह बंधन में वह सुख बनता, कभी कह रहा है ऐसे उस प्रियतमा के बंधन में मेरे जीवन में वो सुख बंधा हुआ था कि करुणा रहती थी ठीक है, करुणा दुख भरे भाव वो तो मेरे से दूर ही रहते थे, वो तो मेरे पास ही नहीं आ पाते थे। आगे फिर कह रहे हैं कभी हिलते दुमडल कल किसलय देती गलवाहें डाली, फूलों का चुम्बन छिड़ती मधुपों की ताने निराली। आगे देखिए प्रियतमा के संयोग के क्षणों को याद करते हुए कभी कह रहे हैं कि जिस समय वो प्रियतमा थी उस समय तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण जो प्रकृति है, संपूर्ण वातावरण है वो भी मेरे को सुखकारी लग रहा हो। तो देखिए यहाँ उद्दीपन भाव है, प्रकृति भी उस समय तो कवि को सुख की तरह उद्दीप्त करती रहती थी। जिस समय नायिका थी, नायिका के समय कवि को चारों ओर सुख महसूस हो रहा है तो कवि उसी बात को कह रहा है। देखिए हिलते दुमडल कल किस लय, क्यों उस समय तो मानो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे हैं वो भी हिलते रहते थे, हिलते दुमडल कल किसले अपने नए नए पत्तों को लेकर के, देती गलवाहें डाली। अब देखिए पत्ते तो मानो पौधे हैं वो तो मानो अपने नए पत्तों को लेकर के एक दूसरे से क्या कर रहे हो, सुंदर नए पत्तों को लेकर के मानो एक दूसरे से किसले कर रहे हो, एक दूसरे से मिलन कर रहे हो। देती गलवाहें डाली, और डालियां हैं पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो मानो एक दूसरे से मिल करके और मानो गलवाही आलिंगन कर रही हो। तो देखिए कभी कह रहा है कि जिस समय प्रियतमा मेरे पास थी तो संयोग के समय तो मानो ऐसा लगता है संपूर्ण प्रकृति है वो भी मानो संयोग से एक दूसरे से मिलन से इस तरह से मानो लिप्त हो रही हो। तो उस बात को बता रहे हैं कि हिलते दुमडल कल किस लय देती गलवाहें डाली, तो उस समय तो मानो ऐसा लगता कि हंसते दुमडल कि पेड़ों के जो समूह है वो भी मानो अपने नए पत्तों को लेकर के हिल रहे डुल रहे हो, प्रेम व्यक्त कर रहे हो, और देती गलवाहें डाली और डालियां हैं वो मानो एक दूसरे पेड़ पौधों की डालियों में अलझ करके मानो आलिंगन कर रही हो। फूलों का चुम्बन छिड़ती मधुपों की ताने डाली, फूलों का चुम्बन और फूलों का मानो चुम्बन कर रहा हो, छिड़ती मधुपों की ताने डाली अर्थात भोरे हैं वो मानो पुष्पों का चुम्बन कर रहे हो, छिड़ती मधुपों की तान निराली, इस तरह की वो भोरों की है वो अलग ही तान निकलती रहती थी। अब देखिए यहाँ कवि ने कहा है, कवि ने यहाँ प्रियतमा के लिए कहा है हिलते दुमडल कल किस लय, देखिए हिलते दुमडल कवि ने कहा है यहाँ दुमडल कल किस लय, प्रियतमा के संयोग के क्षणों को याद करते हुए कहा है कि आपके जिस समय संयोग होता था उस समय तो मानो पेड़ के पत्तों की तरह आपके विभिन्न प्रकार के आभूषण हिलते रहते थे, देती गलवाहें डाली और आपकी जो भुजाएं हैं वो डालियों की तरह इस तरह गले में बाहें डालती रहती थी, आलिंगन करती रहती थी। फूलों का चुम्बन अर्थात उस समय आपके जो अधर रूपी पुष्प हैं उनका एक दूसरे से चुम्बन होता रहता था, छिड़ती मधुपों की तान निराली और आपके विभिन्न प्रकार के जो पैरों के आभूषण हैं वो भोरों की गुंजार की तरह इस तरह एक अलग ही निराली इस तरह की तान छेड़ते रहते थे, इस तरह की मधुर झंकार करते रहते थे। और यहाँ प्रियतमा के संयोग के क्षणों को याद किया कवि ने, अभिसार के समूह क्षणों को याद किया है। तो देखिए इस तरह यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने इस आंसू कैब में कवि प्रियतमा के संयोग के क्षणों को तो कवि वियोग के क्षणों को इस तरह अपनी जो भी आत्मा की व्यक्ति है उसको इस तरह विरह के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। इसके बाद आगे का जो पद है उस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे, आज इतना ही पढ़ाएंगे, धन्यवाद।